हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 6 अगस्त 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई पेपर और पीएबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से आपके लिए तैयार किया गया है। यहां बता दूं कि आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और संविधान के अनुच्छेद 370 में जो भी बदलाव हुए हैं उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, तो उस पूरा आपको बताया गया है। और आज का जो वीडियो है वो मैं देर से दे पा रहा हूँ कुछ वजहों से। कल से मॉर्निंग सुबह 6 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाया करेगा, आप देख लेना। और हाँ, कल हो सकता है नोटिफिकेशन ना आए तो आप जरूर आके देख लेना यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पे। ओके, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, संविधान के अनुच्छेद 370 के किन खंडों को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया है। देखिए, पूरी तरह ये खत्म नहीं हुआ है, धारा 370 वो बना हुआ है, उसके कुछ खंडों को समाप्त किया गया, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा खंड 2 और 3। ओके, और कई जगह न्यूज़ में आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि पूरी तरह से अनुच्छेद 370 खत्म हो गया। देखिए, ये बातचीत में तो चल सकता है क्योंकि जो 370 की मूल भावना थी उसको समाप्त किया गया, जिससे कि वहाँ का जो स्टेटस था स्पेशल वो सब खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर आपको तथ्यों को देना है तो उस नज़रिए से ये गलत हो जाएगा। ओके, देखिए, दरअसल अनुच्छेद 370 जो है उसको 3 भागों में बांटा हुआ था, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। तो संसद में जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक धारा 370 एक जो है वो बाकायदा कायम है, जबकि 2 और 3 उसको हटाया गया है। ओके, और ये जो हटाने का आदेश है वो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के साथ ही लागू हो गया है। ठीक है, और 35A भी खत्म हो गया, जो कि राज्य में दोहरी नागरिकता बताता है। तो क्या है धारा 370 का एक प्रावधान? तो इस प्रावधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार से, सरकार की सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू किया जा सकता है। तो इसी के अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने खंड 2 और खंड 3 को समाप्त कर दिया है। तो कश्मीर को जो स्वायत्तता मिली हुई थी, जो अलग अधिकार थे, विशेष राज्य का अधिकार था, वो सब खत्म हो गया। तो पहले इसी वजह से कहा जाता था, स्पेशल स्टेटस की वजह से ही, कि देश में 2 निशान है, 2 विधान है, 2 प्रधान है, तो ये सब अब खत्म हो गए हैं। धारा 370 का जो खंड एक है वो कहता है, जो अभी लागू है, कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ओके, तो ये सब थोड़े डिटेल में आपको बता रहा हूँ, वजह यह है क्योंकि आप पूरी तरह से समझ पाओ, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो मैंने दिया है सेम, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसे में एक एक बात जानना ज़रूरी है। ओके, तो आपको बता दूं कि पहले जो था, ये जो बदलाव हुए हैं उससे पहले भारतीय संसद के कई सारे संवैधानिक फैसले कश्मीर में लागू नहीं होते थे, अब वो लागू हो जाएंगे। वित्तीय फैसले जो अब तक नहीं लागू होते थे वो भी लागू हो जाएंगे। अब आर्टिकल 360 जो कि आर्थिक आपातकाल से रिलेटेड है वो भी लागू हो पाएगा। ओके, और यही वजह है कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में अब जम्मू कश्मीर संविधान सभा कहा जाता था, अब उसका नाम बदल के विधानसभा कर दिया गया, और आर्टिकल 356 भी लागू हो गया है इसी के तहत। ओके, अब पहले उसका नाम संविधान सभा इसलिए था, विधानसभा का नाम क्योंकि भारत की संसद की तरह ही वो कई सारे संवैधानिक निर्णय करती थी, चाहे भारत के संविधान में पारित हुए निर्णय हो उसको वहाँ पारित करवाना पड़ता था, या फिर नाम मंजूर करने का जो भी प्रावधान है वो वहाँ करना पड़ता था। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश का कोई भी नागरिक कश्मीर में उसी तरह रह सकता है, बस सकता है, जिस तरह से अन्य राज्यों में आप बस सकते हो, रह सकते हो। ओके, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी और आगे भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आप पूरा जरूर देखना। और हाँ, मैं हर दिन करंट अफेयर्स वीडियो में आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और एक सप्ताह तक लगातार जवाब देने वाले को जनवरी से लेकर जुलाई तक का 7 महीने का करंट अफेयर्स का PDF फ्री में दिया जाएगा, जिसका अभी चार्ज लगता है कुछ। ओके, तो 100 लोगों को ऐसे दिया जाएगा, आप जवाब जरूर देना, मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा। तो अगला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का, राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया, इसके तहत राज्य का नया स्वरूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, राज्य के 2 हिस्से होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में 22 जिले हुआ करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला कैवा केंद्र शासित प्रदेश होगा? इसका आंसर है 3। ओके,
देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वहाँ की सरकार जो है वो उपराज्यपाल यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी सलाह पर वो उसको काम करना होगा। जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, वहाँ जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिस तरह से चंडीगढ़ में होता है। ओके, देखिए मौजूदा समय में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी विधानसभा वाला तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता ही है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होते हैं। तो वहाँ पर उपराज्यपाल की तैनाती कौन करता है? तो केंद्र सरकार की सलाह पर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति जो हैं उपराज्यपाल की तैनाती करते हैं। आमतौर पर केंद्र के अनुमोदन पर ये नाम तय होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे कि जम्मू कश्मीर जो है भारत में कब मिला था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन आपसे है, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर सकते हैं, कमेंट जरूर दीजिएगा, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के अनुसार अब प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? इसका आंसर है 117, 7 सीटें बढ़ जाएंगी। मतलब अभी जब तक ये राज्य का स्टेटस है तब तक 107 सीटें हैं, और केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस हो जाएगा तो वहाँ पर विधानसभा की सीटें 117 हो जाएंगी। ओके, एक क्वेश्चन आपसे, जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, उसका नाम आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के मुताबिक क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख होगा। यहाँ बात क्षेत्रफल के हिसाब से हो रही है, आबादी के हिसाब से नहीं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, इसका आंसर है लेह। ओके, लद्दाख का एक जिला होगा, और कितने किलोमीटर में फैला होगा, कितने दायरे में, तो 45,110 वर्ग किलोमीटर में, इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से लेह जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला होगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के मुताबिक प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने जिले होंगे? टोटल जिले, आंसर है 20। ठीक है, और कौन कौन से जिले होंगे तो मैं बता दूं, आप मेरे बगल में देख रहे हो, अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रसाई, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर और उधमपुर। तो ये सब जो है वो जिले होंगे। एक क्वेश्चन आपसे कि अब तक जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, दो राजधानी है, और कब कब किसके लिए राजधानी होती है, किस किस वक्त के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के मुताबिक प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले होंगे? इसका आंसर है दो, सिर्फ दो जिले होंगे, लेह और कारगिल। ओके, एक क्वेश्चन और आपसे, इस देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना कितनी अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी? तो इसका आंसर है 18। देखिए, संविधान के जो भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाएं हैं, उनमें से 18 अनुसूचित भाषाओं में इस बार जो है वो जनगणना होगी, और इससे पहले 2011 में 16 अनुसूचित भाषाओं में जनगणना की गई थी। ओके, देखिए, जनगणना जो है दो चरणों में की जाएगी, पहला चरण अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक होगा, जबकि दूसरा चरण जो होगा जनगणना का, सेंसस का, वो 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक होगा। और ख़ास बात है इस बार का कि इस बार डेटा कलेक्शन कागज़ पर नहीं होगा, इसके लिए एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे वक्त की बचत होगी और डेटा को कैलकुलेट करने में भी बहुत आसानी होगी। और ये इसको कब जारी किया जाएगा, सेंसस 2021 को, तो 2024 या 25 के बीच में इसको जारी किया जाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे कि संविधान में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था 9 अगस्त 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसका आप नोट्स, इसका PPT, इसका
MCQ वन लाइनर, वो सब डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे पगल से। आप डाउनलोड करने का डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया है। और हाँ, आपको बता दूं कि कल मॉर्निंग को ही सुबह 6 बजे तक ये करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएगा। आज देर हो गई और कल का हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको ना मिले, तो आप YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाके आप वीडियो देख सकते हो। ओके, बाय।